भिंड जिले में हुई ट्रांसफर पॉलिसी पर पूर्व मंत्री ने भाजपा प्रशासन पर सवाल उठाए। भिंड जिले के विभिन्न विभागों में हुए ट्रांसफर पर पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने प्रेस वार्ता बुलाई। इसमें जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि जो सचिव, पटवारी, शिक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं वो कहीं ना कहीं नियम विरुद्ध बताए गए हैं। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि भिंड शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर राजनीति से प्रेरित होकर कराए हैं। भिंड जिले में जातिगत रूप से ट्रांसफर कराने का जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसे ट्रांसफर से कर्मचारियों को आघात पहुंचा है। पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह ने कहा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करते हैं कि ये लिस्ट निरस्त की जाए। साथ ही भिंड जिले की ट्रांसफर पॉलिसी पर वो स्वयं भोपाल पहुंचकर संबंधित अधिकारियों और जिम्मेदारों को अवगत कराएंगे। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक पॉलिसी निर्धारित की ट्रांसफर की, उस नीति को सब जगह पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन भिंड जिले में जिस तरीके से ट्रांसफर हुए हैं, शिक्षा विभाग में, जिला पंचायत में, सचिव स्तर पर, ग्राम पंचायत के, वहाँ पे इस नीति निर्धारण का उल्लंघन हुआ है। कुल शिक्षक यहाँ पे 8,000 हैं और ट्रांसफर नीति के अनुसार 2,000 से ऊपर शिक्षकों में 5% ट्रांसफर होना चाहिए था। यहाँ 8,000 में से लगभग 2,000 शिक्षकों के ट्रांसफर कर दिए गए। दूसरा, सचिव जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं उनके ट्रांसफर भी एक जनपद क्षेत्र से बल्क में उठा के दूसरे जनपद क्षेत्र में कर दिए गए।